सिंगरौली में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन द्वारा कई सामाजिक कार्य किए जाते हैं। ये संगठन पिछले कई वर्षों से जरूरतमंदों की मदद कर रहा है। अब मानवाधिकार संगठन ने एक और नेक कार्य करते हुए गरीब परिवार की बेटी की शादी के लिए 11,000 रुपए नगद दिए तथा शादी के लिए टेंट की सारी व्यवस्थाएं की। कहते हैं, मानस सेवा ही माधव सेवा होती है। यदि आप जरूरतमंदों की मदद करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करता है। गरीबों के समय पर मदद करने वालों में राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन शामिल है। यह संगठन समय समय पर लोगों की खूब सहायता करता है। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अमित तिवारी के अनुसार पिछले कई वर्षों से संगठन के पदाधिकारी गरीब बेटियों की शादी में सहयोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज संगठन के पदाधिकारियों ने 22 फरवरी 2023 को आदर्श गंगा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के करीब होने वाली गरीब बेटी की शादी के लिए मदद की। अधिकारियों ने गरीब बेटी के घर पहुंचकर उनके परिवार को 11,000 रुपए नगद दिए एवं शादी के लिए टेंट की संपूर्ण व्यवस्था की तथा एक अलमारी और एक बक्से का भी सहयोग दिया। साथ ही राष्ट्रीय महासचिव अमित तिवारी ने बताया कि संगठन द्वारा बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन एवं यात्री प्रतीक्षालय जैसे तमाम जगहों पर रात के कड़कड़ाती ठंड में कंबल वितरण का भी कार्य किया गया था। हमारे संज्ञान में लाया गया था कि एक बच्ची की शादी है और बच्ची के परिवार वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, माली हालत उनकी इतनी दुरुस्त नहीं है, तो उस हालत में हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई हम उनकी मदद करेंगे। हम लोगों ने उनकी आर्थिक मदद भी की और उनके टेंट की पूरी व्यवस्था हमने अपने जिम्मे ले ली है। ऊपर से हम लोगों ने उनके लिए एक आलमीरा और एक बॉक्स जो उन लोगों का था कि ये हमको देना है, तो वो भी हमने कहा है कि हम अपनी तरफ से दे देंगे बच्ची को। वार्ड नंबर 9 की बच्ची है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।